सफलता पाने का कोई मंत्र नहीं होता है, यह केवल कड़ी मेहनत संघर्ष का नतीजा होता है। जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो हमको सफलता कैसे में प्राप्त होगी। तो ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और मंगलवार के दिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो थोड़ा सा हनुमान चालीसा मैंने आपको भी सुनाया है। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है, ये थाई के लिए एक्सरसाइज, मैं सारी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो की स्पीड बहुत ही धीरे है, ज़्यादा ही थाई हो गई ना आपकी, तो ये वाली एक्सरसाइज करना आप कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, जब तक मतलब कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज करो आप शुरुआत में कम से कम, फिर आपको आदत पड़ जाएगी तो 15 बार, मतलब 1 2 3 आपने ऐसे गिनना है। कम से कम 30 बार करोगे ना आप, तो आपकी जो पेट की चर्बी है गल जाएगी आसानी से, जो आपके फालतू की चर्बी है ना शरीर में वो गल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं खुद ही आपको ना अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ, क्योंकि 2 महीने में 8-9 किलो वज़न कम होना कोई आसान सी बात नहीं है। और ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छी है, इसी तरीके से करना है आपने, आपकी थाई है ना और जो कम हो जाएगी, और पेट की चर्बी है ना, टमी भी ज़्यादा होगा ना कम हो जाएगा। बहुत से लोगों का ना टमी होता है ना, टमी जाता होता है और हाथ पैर पतले होते हैं तो बहुत ही गंदा लगता है। तो ये सारी एक्सरसाइज, टमी कम करिए, अपनी थाई कम करिए, फुल बॉडी की एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फुल बॉडी की एक्सरसाइज है, पैरों में दर्द की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। मेरे भी पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था आपको, मैं किचन में आधे घंटे भी खड़े हो जाऊँ तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल तो मैंने कटहल का अचार बनाया, मैं इतने देर तक किचन में खड़ी थी, कटहल छीला उसको बनाया, मेरे पैरों में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं में ये समस्या हो जाती है कि आजकल मैं ज़्यादातर यही सुनने में आ रहा है कि बोल रहे हैं कि मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है मोटापे की वजह से। तो मोटापा ऐसा हो गया हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा श्राप सा हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, थायराइड की समस्या ज़्यादा हो गई है महिलाओं में। तो आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करो, आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वक्त से पहले बूढ़े हो जाओगे। आजकल क्या हो रहा है कि मोटापे की वजह से उम्र भी ज़्यादा लग रही है। तो सारी एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर करी है, बहुत ही अच्छी है, थायराइड ख़त्म हो जाएगा, प्रेगनेंसी में जो समस्या हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो वेट चेक किया मैंने, 59 kg है। तो गाइज, मुझे भी अभी 55 तक पहुँचना है, तो आप भी मेरे साथ एक्सरसाइज करते रहिए, आपको भी मैं मोटिवेट करती हूँ। और 55 देखते हैं कब तक कम होता है, 4-5 1 हफ्ते, मतलब 1 हफ्ते का टारगेट है, 1-2 हफ्ते में मैं अपना 4-5 किलो वज़न कम करके रहूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने गर्म पानी, नींबू जो होता है गर्म पानी किया, उसमें नींबू ऐड कर दिया, फिर उसमें हनी है जो पतंजलि का, मेरे पास यही है, अभी थोड़ा सा रह गया, हम दूसरा लाऊंगी मैं, बस ये ऐड करके और सिप सिप करके हमने इसको पी जाना। इससे ना बहुत ही ज़्यादा वज़न कम होता है, बहुत ही फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, देखना आप। और धीरे धीरे पीना आप इस पानी को, ठीक है। तो इस तरीके से सिप सिप करके पी जाना आप, इससे काफ़ी फ्रेंड्स, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे हनी और शहद पियोगे ना आप मिला के पानी में, गरम गुनगुना पानी करना है, हल्का सा गुनगुना। फिर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए, ऐसी एप्पल काट देना, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद होंगे। फिर मैंने इसमें चिया सीड्स भिगा रखा है, ये बिना मलाई वाला दूध है, और दूध भी पीना है फ्रेंड्स। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपने दूध भी पीना है, ऐसा नहीं है कि आप दूध नहीं पी रहे हो, खाना पीना नहीं खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कमज़ोरी आ जाएगी बहुत ही ज़्यादा, आपको चक्कर आएंगे, हाथ पैरों में दर्द होगा। फिर उसके बाद ये मूसली है, इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़े से मैंने मैंगो भी है उसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि आजकल मैंगो का सीजन है, आम चल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं आम, तो उसमें थोड़ा सा मैं हनी ऐड कर दूंगी। ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, इफ़ेक्टिव होता है ये भी काफ़ी, इसमें आप हनी ऐड कर दोगे ना, इससे ना आपका वज़न कम होने में काफ़ी असरदार होगा ये। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देना है आपने, इससे आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहेगा, आपको ज़्यादा जल्दी भूख। सीड्स को आप थोड़ी देर पहले भिगो के रखोगे तो थोड़ा
फुली फुली सी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट बन के तैयार है, मैं इसको खाती हूँ फ्रेंड्स। तो आप भी घर में बनाइए इसको, ज़रूर नाश्ते में खाना आप। अब हमने इसको 32 के फॉर्मूले से खाना है, इसको अच्छे से चबा चबा के धीरे धीरे खा जाना है। तो आराम आराम से खाइए, 32 बार नहीं खा सक रहे कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सी वीडियो मैंने देखी है कि 32 बार खाइए, 32 बार तो कोई नहीं खा सकता, लेकिन 15 बार भी आप चबा के खाओगे अच्छे से। खाने को ना टाइम देना चाहिए, जो मतलब जिससे कि आपका पेट भर जाता है और आपको ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगती है। तो यही है 32 के फॉर्मूले का मतलब। तो बस अब नाश्ता खा लिया। तो एंजल यहाँ पर अपना कार्टून देख रही थी, तो एंजल की छुट्टी थी, संडे वाला दिन था। तो बस यहाँ पे मैं एंजल के साथ बैठी हूँ, थोड़ा बच्चों के साथ खेलना कूदना चाहिए, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम पास हो जाता है गाइस। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बारिश हो रही है यहाँ। तो झाड़ू पोछा कपड़े सारा जो घर का कामकाज होता है वो कामकाज कर लिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए आप, ठीक है, जितना आपसे हो सकता है एक्सरसाइज। जो भी एक्सरसाइज मैंने भेजी है आपके साथ शेयर की है, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपने गिनती करनी है। जैसे कि आपने एक स्टेप किया तो 1 2 3 ऐसे गिनती करके आपने एक्सरसाइज करनी है। और आप अपना कोई भी फेवरेट सॉन्ग लगा दिया करो, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। सॉन्ग लगा के आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको थकान नहीं होगी। अब मैं बना रही हूँ दिन का खाना, तो मैं काली उड़द की दाल बना रही हूँ, मिक्स दाल है तो मिक्स दाल बना रही हूँ मैं। सारे मसाले टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं, और बहुत ही कम मिर्च नमक मसालों के साथ। मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ मैं, मस्टर्ड ऑयल डाला है इसमें, और बहुत ही कम हमने नमक डालना है, नमक भी ज़्यादा नहीं खाना है। और हरी मिर्च इस तरीके से आप काट के डाल सकते हो, तो बहुत ही टेस्टी होती है गाइस ये वाली दाल ना, मिक्स दाल है, बहुत ही टेस्टी हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने जब भी एक्सरसाइज करोगे तो कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग लगा देना और फिर आप एक्सरसाइज करना। जैसे आपको एक्सरसाइज करते करते आदत पड़ जाएगी ना, तो देखना आपको ना एक दिन ज़रूर आप सफल होंगे। तो बस ये दिन का खाना बन के तैयार है, ये है हमारे दिन के खाने की थाली। तो मैंने दही भी रखी है, थोड़ा सलाद भी रखा है, सब खाना खाती हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा घर का दाल चावल रोटी खाती हूँ, और 2 महीने में 9 किलो वज़न कम किया है गाइस। ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, पूरे खाना खाओ, दाल खाओ चावल खाओ, बट थोड़ा 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 करके खाना, आपने ज़्यादा नहीं खाना है। खाने को जितना हो सके टाइम दो, जैसे कि अच्छे से चबा चबा के बारीक बारीक तरीके से खाना है आपने। जितना हो सके खाने को टाइम दो, आप अच्छे से खाओ खाने को, तब जाके आपका पेट भर भी जाएगा फटाफट से। मतलब जितना बारीक चबाओगे खाना, उतनी जल्दी आपका जो पेट है भर जाएगा। फिर बस शाम के टाइम हम घूमने जा रहे थे, मैं एंजल के बालों में कंघी लगा रही हूँ। तो जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारी 4-5 वीडियो शेयर कर दिए मैंने आपके साथ वेट लॉस की, तो आप सारी एक्सरसाइज कीजिए। और कम से कम 15 दिन बाद मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ हमारे को फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, हमारा टमी कम हुआ कि नहीं हुआ है। तो एंजल और मैं घूमने चले गई हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाम को मैं एक चक्कर ज़रूर घूमने जाती हूँ। तो हमारा चलना भी बहुत ही ज़रूरी है, जितना जल्दी जितना मतलब ज़्यादा पैदल चलोगे उतना ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। अगर जितना हम घूमेंगे फिरेंगे उससे भी चलने से हमारे जो शरीर की चर्बी है वो ज़्यादा जल्दी गलती है। तो बस फ्रेंड्स हम इधर घूमने के लिए चले गए हैं। तो जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन हम पक्का घूमने जाते हैं, आजकल तो बारिश का भी कोई पता नहीं, अचानक से बारिश भी आ रही। तो अगर बारिश आ जाती है इधर उधर घूमने नहीं जा पाते हो, तो आपने क्या करना है, अपने रूम के अंदर घर के अंदर बरामदे में छत में आप चक्कर लगा सकते हो। मैं तो ऐसी करती हूँ, अगर शाम को बारिश हो रही है कहीं जा नहीं सकती तो अंदर ही घूम लेती हूँ मैं। सबसे अच्छा कि अपने बच्चों के साथ, जैसे आपका छोटा बच्चा उसके पीछे पीछे भागो, अच्छी खासी आपकी रेस हो जाती है। तो यहाँ पे मंदिर है तो दिखा देती हूँ मैं आपको ये मंदिर। तो बस एंजल के टेस्ट भी चल रहे हैं फ्रेंड्स, कल से एंजल के टेस्ट भी हैं, परसों से। तो मुझे एंजल को भी पढ़ाना है, वीडियो की एडिटिंग करना, वीडियो शूट करना, बहुत ही काम होता है। तो आप भी अपने लिए टाइम निकालिए और एक्सरसाइज कीजिए। तो एंजल का होमवर्क दिखाती हूँ मैं, तो एंजल को स्टार भी मिल जाते हैं। तो सही है, एंजल की राइटिंग अच्छा लिख लेती है। फिर उसके बाद रात को मैं बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्जी,
तो बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, आपके इधर कितनी बारिश हो रही है? यहाँ तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, दिन रात सुबह शाम बारिश बारिश हो रही है। तो जब भी आप खाना बनाते हो ना, हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा आप हींग का तड़का है ना, ज़रूर खाने में डाल दिया करो। इससे क्या होता है कि पचने में बहुत ही अच्छा होता है, खाना जो है ना अच्छे से पच जाता है। तो आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ, पहले मैं आलूओं को बना दूँगी, इसमें आलू टमाटर ऐड करके। आइए, टमाटर तो आजकल ऐसे गल भी नहीं रहे हैं, मैंने इसको ना चॉप भी नहीं किया, चॉप करके डाल दो ना तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर इसके बाद मैं इसमें बीन्स ऐड कर दूँगी, तो ये सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी होती है। पूरा खाना मैंने आपको बताया है कि कोई बोलता आलू मत खाओ, ये मत खाओ, सारा खाना खाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और तब भी इतना वज़न कम किया मैंने घर बैठे बैठे। बस ये है कि चाउमीन मोमो वगैरह ये चीज़ मत खाओ, ये चीज़ बहुत ही बेकार होती है, अनहेल्दी भी होती है और मोटापा भी इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। जितना हो सके अनहेल्दी खाना खाने से बचो आप। एक जो चुकंदर होता है ना, वो भी बहुत ही अच्छा होता है, उसका सलाद मैं बहुत ही खाती हूँ, बहुत ही अच्छा होता है। अगर प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है तो आप ये चुकंदर वगैरह भी खाइए, खीरा भी खाइए आप, स्प्राउट सबसे अच्छा होता है, स्प्राउट भी ज़रूर खाना आप। तो ये खाना बन के तैयार है, ये डिनर की थाली तैयार है मेरी। फिर बस खाना खा के मैं किचन की क्लीनिंग कर दूंगी। और ये मैंने कटहल काट के रखा था, 4.5 kg का कटहल था, ये मैंने इसका अचार बना के रख दिया है, अचार बना दिया पतिदेव जी के लिए। फ्रेंड्स, आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक बार मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करिए आप, जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ उन सब एक्सरसाइज को आप करके देखिए। 15 दिन तक आप कम से कम एक्सरसाइज करके देखना, तब आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि डॉक्टर भी जब दवाई देता है तो बोलता है ना कि 15 दिन का आप इंतज़ार करना, तो उसी तरीके से आप एक्सरसाइज कीजिए, जो टिप्स मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। हाँ, अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है तो क्या करना है, अगर ज़्यादा ही भूख लगती है तो सलाद बना के खा लो आप। कुकुम्बर का सलाद हो गया, चुकंदर हो गया, तो सलाद भी काफ़ी अच्छा है आपकी भूख मिटाने के लिए। शाम के टाइम जैसे आप स्प्राउट बना के खा दो, हल्की फुल्की भूख लगती है ना आपको, तो मखाने हैं ना, मखानों को थोड़ा सा फ्राई करके खा सकते हो, हल्के से घी थोड़ा सा एक ना आधा चम्मच डाल के चाय के साथ, मतलब मखाने आप खा सकते हो उसमें। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो और भी मोटिवेशन वीडियो के साथ। बाय गाइज़।